नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो बच्चे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे TGT हिंदी के सिलेबस की, जो कि ऑफिशियली आ चुका है। लेकिन इससे पहले हम एक वीडियो में TGT हिंदी के सिलेबस की डिस्कशन कर चुके थे। उसमें हमें कन्फर्म नहीं था कि हिंदी साहित्य आएगा या नहीं आएगा। मैंने अपने अंदाजे से आपको बताया था कि आपको व्याकरण पढ़नी है, हिंदी साहित्य पढ़ना है और NCERT पढ़नी है। लेकिन जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसमें NCERT नहीं दी है और आपको पढ़ना क्या है, व्याकरण। बहुत अच्छे तरीके से व्याकरण पूछी गई है सिलेबस में, जो दे रखी है मतलब, ठीक है। और क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो अब आपने ये देखना है कि हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अगर वो वाली वीडियो आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। अब आपका जो कॉमन पार्ट है उसकी अलग तरीके से वेटेज दी हुई है और आपके सब्जेक्ट की अलग तरीके से वेटेज दी हुई है। और जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है उसके लिए मैं बता दूं कि जो हरियाणा में टीचर वैकेंसी निकली हुई है और TGT हिंदी की जो मेवात के कैडर में 106 पोस्ट हैं, हम उस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन पार्ट में मोटे तौर पे हम देख लेते हैं कि आपका क्या कुछ पूछा गया है और आपको कितना पढ़ना है। सिलेबस बहुत मतलब कि आपको डीपली पढ़ना होगा, लेकिन मुश्किल नहीं कह सकते, कुछ यूनिट काफ़ी आसान भी हैं। सबसे पहले है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, जिसकी वेटेज है 10%, ठीक है। और इसमें इंट्रोडक्शन दे रखी है पहले, इसमें बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, मतलब काफ़ी कुछ इसमें आपको पढ़ना होगा। दूसरी जो इसमें इसका पार्ट दिया हुआ है, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, ये क्यों होता है, क्या कारण है, ह्यूमन हेल्थ पर इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसी प्रकार से अगला पॉइंट है वाटर एंड सोयल पोल्यूशन, इसमें भी आपको सेम चीज़ें पढ़नी है, ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इन्वायरमेंट पर आपको क्या असर पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ पर क्या इसका असर पड़ता है, ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से देखना है, सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए पहला जो काम है, और एक एक लाइन को आप अंडरलाइन करते चाहिए कि हमें ये पढ़ना है और ये हमें कहाँ से इकट्ठा करना है, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, और जो ओजोन लेयर है उसका क्या कुछ हो रहा है उसके साथ, एसिड रेन, मतलब कि काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो आपने डीपली पढ़ना है। फिर जो दूसरी हमारी यूनिट है, दूसरी यूनिट में क्या पूछा गया है, हरियाणा GK, हरियाणा GK प्लस हरियाणा गवर्नमेंट की जो भी स्कीम चल रही हैं उनके बारे में पूछा है, और इसकी वेटेज है 20%, ठीक है। इसकी वेटेज कितनी रहेगी, 20% रहेगी। इसमें आपको काफ़ी कुछ पढ़ना होगा, हरियाणा हिस्ट्री भी पढ़नी होगी, करंट अफेयर पढ़ना होगा, हरियाणा का जो इतिहास, साहित्य, जियोग्राफी, सब कुछ पढ़ना है, स्विक्स पढ़नी है, एनवायरमेंट पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, मतलब कि आप कह सकते हैं पूरी हरियाणा GK इसमें आपको कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो स्कीम है वो तो आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि स्कीम से श्योर है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला जो हमारा यूनिट आ गई वो रोड सेफ्टी अवेयरनेस आ गई। ये मैं कह सकती हूँ कि यूनिट आसान है, इसको आप आसान कह सकते हैं, और इसकी वेटेज 5% है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आसान यूनिट है, छोड़ना मत इसको, अच्छे तरीके से कवर करना ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट इसका हमारा सिलेबस का आ जाता है वो आ जाता है प्रस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो कि KVS में भी बहुत अच्छे तरीके से पूछा हुआ था, और इसकी वेटेज रहेगी 15%, ठीक है। इसमें क्या कुछ पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर पढ़ना है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क, चैलेंज, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि फिजिकली, कॉग्निटिव, सोशल, मॉरल, सब कुछ पढ़ना है। बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करनी होगी इस यूनिट को, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो पार्ट है उसमें अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, क्या टीचर का रोल होता है, क्या लर्नर का रोल होता है, ठीक है, और कैसा नेचर होना चाहिए टीचर का, ये सारी चीज़ें इसमें आपको अच्छे तरीके से एक एक लाइन को देखना है, क्लासरूम जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, तो ये सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, हाँ, इसमें NEP 2020 और एक्ट 2009 अच्छे तरीके से आपको कवर करना है, क्योंकि वहाँ से तो श्योर है क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे एस्टेट हो, किसी स्टेट का टेट हो, इसके अलावा कोई स्क्रीनिंग पेपर हो, तो जैसे KVS में भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको तैयार करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिंग
यहाँ पर कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है सोशल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन अब उसमें भी आया हुआ था, KVS में भी, और राजस्थान के जितने पेपर हुए हैं वहाँ पूछा जाता है अच्छे तरीके से। इसकी बुक भी आती है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की, लीडरशिप की, इसमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। लीडर एज रिफ्लेक्टिव, मतलब कि बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। यहाँ पे ये एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, तो ये देख लेना है। उसके बाद प्रस्पेक्टिव इन एजुकेशन क्या है, NEP 2020 आ गई, तो इसी प्रकार से जो हमारा इसका ये हो गया, ये सारी चीज़ें कॉमन पार्ट में आ जाती हैं। बहुत तो ही कुछ है, मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी लेंथी सिलेबस है। अगर पेपर की डेट की बात करें, अप्रैल में बोल रहे हैं, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, आज से ही लग जाना है, समय नहीं है अगर अप्रैल में पेपर होता है तो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मेन बात है वो हमारी हिंदी पर है। हिंदी में क्या कुछ पूछा जाएगा, सबसे पहले इसकी वेटेज जहाँ पर जो दी हुई है वो आपने देखनी है, क्या दे रखा है, 50% वेटेज इसकी दी हुई है, ठीक है। अब बात आती है कि हिंदी साहित्य, फर्स्ट पॉइंट क्या है, हिंदी साहित्य क्या पढ़ना है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हो गए। ये इसी प्रकार से सीधे सीधे HPSC ने दे रखा है PGT हिंदी में। इसके बारे में पढ़ना क्या है, आदिकाल की उत्पत्ति, समस्याएं, विशेषताएं, प्रमुख कवि, प्रमुख लेखक, रचनाएं, मतलब कि पहले हम आदिकाल को लेते हैं, आदिकाल की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, क्या उसकी समस्याएं रही, क्या विशेषताएं रही, आदिकाल के प्रमुख कवि कौन से हैं, लेखक कौन से हैं, रचनाएं कौन सी हैं, मतलब सारा कुछ आ गया। उसी तरीके से सेम टू सेम भक्तिकाल के बारे में भी यही, उसी उस पर भी यही चीज़ लागू होती है, भक्तिकाल की उत्पत्ति, समस्याएं, विशेषताएं, प्रमुख कवि, लेखक, रचनाएं, ठीक है। रीतिकाल, आधुनिक काल, तो ये सारी चीज़ें हर काल के बारे में आपको पढ़नी है बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा इसमें दे रखा है कहानी, नाटक और उपन्यास। उपन्यास की उत्पत्ति कैसे हुई, पहला उपन्यास कौन सा है, कौन सा किस लेखक का कौन सा उपन्यास है, किसकी कौन सी मेन बात है, मतलब कि उपन्यास के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, नाटक के बारे में और कहानी के बारे में। तो यहाँ पर हो गया हमारा हिंदी साहित्य का काम, इतना कुछ आपने पढ़ना है। इसके अलावा आगे व्याकरण, व्याकरण में क्या है, कुछ छूटा नहीं है। सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, काल, विकारी, अविकारी शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, फिर आ गया वर्ण विचार। वर्ण विचार में सब कुछ आ गया, शब्द विचार आ गया, वाक्य विचार आ गया, समास, संधि, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, मतलब के जो शब्दकोश वाला पार्ट है उसमें क्या आ जाता है, समास, संधि, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, नेकार्थी, ये सारी चीज़ें आपको उसमें भी पढ़नी है। मतलब आधा आपको पेपर, जो अगर 50 क्वेश्चन आते हैं, हम मान के चलते हैं कि 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 क्वेश्चन आपको व्याकरण के मिलेंगे ही, जिसके लिए आपको बहुत अच्छे वाली तैयारी करनी होगी। फिर नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट दे रखा है, हिंदी गद्य और पद्य, ठीक है। तो हिंदी गद्य में तो बहुत कुछ आ जाता है, हिंदी पद्य में भी बहुत कुछ आ जाता है, तो इसका मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है। इन 5-6 लाइनों में बहुत कुछ डाल दिया, सब कुछ पढ़ना है, घबराना नहीं है, आपने एसेट दिया है, पढ़ा है सब कुछ, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, और PGT हिंदी में भी ये चीज़ें सारी लागू होती हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो हिंदी साहित्य के एक सीरीज़ चलाई हुई है मैंने, जिसमें मेन मेन पॉइंट आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के हम कवर करते चलेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी व्याकरण में बहुत कुछ पढ़ने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।